हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी मेकिंग अ मैगी मसाला पास्ता। ठीक है, तो आप अपने टिफिन के लिए या फिर आप अपने बच्चों के लिए घर में बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको चिकन को बॉईल कर लेना है, या तो आप बोनलेस लो या तो आप हड्डी वाला लो, वो कैसा भी लो, बट आपको उसको रेशा रेशा ही करना है। ठीक है, अनियन आपको एक लेना है, मिर्ची चार लेनी है। मिर्ची आप अपने हिसाब से लीजिए, मैं छोटी तीन और एक छोटी मिर्ची लिया है। एक टमाटर लिया, टमाटर आपको छोटा लेना है, टमाटर आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है बिकॉज आपको उसको मीठा नहीं करना है। ठीक है, पास्ता बनाने से पहले, पास्ता बॉईल करने से पहले सबसे पहला काम हमें होता है कि तपेली में हम पहले पानी गर्म करें, डायरेक्टली पास्ते के साथ पानी मिक्सअप करके ना डालें। पहले हमें पानी को गर्म करना है, उसमें ऑयल और नमक ऐड कर लेना है। ठीक है, और वो अच्छा खासा जब तक उबाल नहीं आ जाता है, बबल्स आ जाते हैं, तब तक आपको इसे बॉईल करना है। कुछ इस तरह से जब बबल्स आएंगे, अच्छा खासा गर्म हो जाएगा, तब हमें पास्ता को इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो आपको जितना भी पास्ता चाहिए उस हिसाब से आप इसको तब ऐड करें, ताकि इससे क्या होगा, आपका जो पास्ता रहेगा वो एक दूसरे का स्टिक नहीं होगा, एकदम अजीब सा नहीं बनेगा, वो प्रॉपर खुला खुला सा बनेगा। ठीक है, और आपको इसको सिर्फ 80% कुक करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम मसाले के साथ इसे मिक्स करते हैं, तभी भी हम इसे कम से कम 3-4 मिनट अच्छा से अच्छे फ्लेम में कुक करते हैं, तो फिर वो ऑलरेडी 20% वहाँ कुक हो जाता है। तो 80% ही आपको इसमें अभी इसे कुक करना है। ठीक है, तो हम पास्ता को डाल के अच्छे से फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे रख लेंगे। ठीक है, सेकेंड वाले साइड पे जब हमारा पास्ता हो गया, आप देख सकते हो पास्ता काफ़ी खुला खुला मेरा हुआ है, तो मैंने इसे सिर्फ 80% कुक किया है, इसलिए ये ऐसा है। कुछ अगर मैं 100% एकदम पिलपिला और एक दूसरे को स्टिक हो जाता। अब तपेली में हमने ऑयल डाल देना है, ऑयल आप जितना हो सके उतना कम डालो। मेरा ऑयल फिर भी ज़्यादा हो गया, मैंने 3 टेबल स्पून डाला था, फिर भी ज़्यादा हो गया, आप अवॉइड करो, 2 टेबल स्पून डालो, ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो फिर हमने इसमें अनियन डाल लेना है, मिर्ची डाल लेना है, तो हमने इसमें अनियन मिर्ची डाल देना है, विनेगर अगर आपके, ये दोनों चीज़ ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप डालिए। मैंने इसमें हल्का सा विनेगर, हाफ जो हमारा उसका ढक्कन था ना, उसका भी मैंने हाफ डाला है, सिर्फ थोड़े से खट्टापन के लिए, और रेड चिली सॉस डाला। रेड चिली सॉस मैंने फुल एक ढक्कन डाला है, उसका टेस्ट ना मुझे बहुत पसंद है, तो दैट इज़ द रीज़न मैं रेड चिली सॉस डालती हूँ। ग्रीन चिल्ली डालने के बाद भी मैं रेड चिली सॉस डालना पसंद करती हूँ। फिर इसे हल्का भूनना है 2-3 मिनट के लिए, ताकि उसका स्मेल चला जाए। उसके बाद हमें टमाटर उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, टमाटर डालने के बाद हमें इसे इतना भूनना है, इतना मीन्स 3-4 मिनट इतना स्लो फ्लेम में भूनना है। ओके, इतना भूनना है कि टमाटर अच्छा खासा मैश हो जाए, जैसे मेल्ट हो जाए इसमें। ठीक है, क्योंकि हमें टमाटर कड़क नहीं चाहिए मुँह में। फिर जो चिकन को हमने रेशा रेशा किया था, वो चिकन को इसमें ऐड कर लेना है। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, करें आपने भी करें और बनाए। तो फिर जब ये अच्छा खासा मिक्स हो जाएगा, तब हम अपना मैगी मसाला इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूरा एक मैगी मसाला आप डालिए। अगर ये कम से कम 2 जन खा सकते हैं, उतना बने रहा है। ठीक है, 2 जन फुल टमी खा सके उस हिसाब से। ओके, तो फिर आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, मस्त कि मसाला इसके साथ मिक्स हो जाए। जब हम मैगी मसाला डालते हैं, बहुत अच्छा स्मेल आता है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि पूरा ऑयल ख़त्म हो गया है इसका, अब ऑयल बचा नहीं है, बट ऐसा कोई सीन नहीं रहेगा। अब ये थोड़े टाइम बाद मसाला और ऑयल साइड हो जाना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जब मसाला और ये इन्ग्रीडियंट्स मिक्स हो जाएंगे, तब हमें थोड़े थोड़े पास्ता उठा के इसमें डालना है, थोड़ा थोड़ा। पूरा एक साथ पास्ता कभी ना डालें, क्योंकि वो पूरे पास्ते में मसाले का टेस्ट नहीं आता है। फिर कुछ साइड पे टेस्ट होगा, कुछ साइड पे पास्ते में टेस्ट नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, फिर मिक्स करना है कि हर साइज पे, हर पास्ता में एक एक में मसाले लग जाए। थोड़ा डालना है, फिर हमें स्पून से उसे मिक्स करना है, ताकि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मसाला और पास्ता मिक्स हो जाए। फिर थोड़ा थोड़ा करके डालना है। फिर थोड़ा टाइम जब हम इसको रखते हैं, तो इसका मसाला थोड़ा वाटरी होता है, तो ये अच्छे से मिक्स होगा। सो डोंट वरी कि अब ऑयल बचा नहीं है या अब मसाला बचा नहीं है, कि अब ये मिक्स होगा नहीं, वैसा कोई सीन नहीं होगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। ठीक है, तो देखो मैंने इसको मिक्स करने के बाद ढक दिया था थोड़ी देर के लिए,
एंड फिर वो कुछ इस तरह लग रहा था। फिर मैंने फ्लेम को बंद करना है और फ्लेम बंद करने के बाद भी मैं इसे इसी तरह रखूँगी कम से कम 4 मिनट्स और उसके बाद मैं इसे सर्व करूँगी। तो ये ऐसा लगेगा कि एवरी पास्ता में मसाला मिक्स और अच्छा टेस्ट आएगा। सो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। बाय बाय।